कुछ खाते पीते हैं तो वो जो पूरी रात का आपका फास्ट था वो टूट जाता है, इसलिए इसको ब्रेकफास्ट नाम भी दिया गया है। It is considered the first meal of the day, which is taken in morning hours, generally from 7 to 10 a.m. ये जनरली मॉर्निंग आवर्स में लिया जाता है, सुबह के वक्त लिया जाता है, जिसका टाइमिंग 7 से 10 के बीच में होता है। इस बीच में ये मील लिया जाता है। There are various types of breakfast, as explained ahead. हम कुछ टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट की बात करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला ब्रेकफास्ट है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। दिस इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोपियन ब्रेकफास्ट। इसको यूरोपियन ब्रेकफास्ट के नाम से भी कई जगह जाना जाता है। इट इज लाइटेस्ट कैटेगरी ऑफ ब्रेकफास्ट, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर सबसे कम डिशेज ऑफर की जाती है। द फॉलोइंग आइटम्स आर सर्व्ड इन दिस कैटेगरी। कौन कौन से आइटम इस ब्रेकफास्ट के अंदर दिए जाते हैं, आइए जानते हैं। पहला है चॉइसेस ऑफ जूस। फ्रेश हो सकता है, कैंड हो सकता है, जिसमें ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, गुआवा, टमाटो एक्सेट्रा का जूस, गेस्ट की जो भी चॉइस है इसमें से कोई भी जूस उसको दिया जा सकता है, चाहे वो फ्रेश निकाला हुआ हो या फिर जो कैंड आते हैं अलग अलग कंपनीज के, आप वो भी ऑफर कर सकते हैं। इसके बाद में चॉइस ऑफ ब्रेड। ये प्लेन हो सकते हैं, टोस्टेड हो सकते हैं, जिसमें क्रोसो आता है, मफिन आते हैं, डोनट्स हैं, डेनिश पेस्ट्री है, अलग अलग तरह के ब्रेड्स आपके इस कैटेगरी में जाते हैं, तो इनमें से कोई भी वो ब्रेड ले सकता है, जूसेस ले सकता है। तीसरा आता है प्रिजर्व्स, ये जैम, जेली, हनी एक्सेट्रा, बटर वगैरह जो है इस कैटेगरी में आते हैं, जो जनरली ब्रेड पर अप्लाई किए जाते हैं। और इसके बाद में आता है बेवरेजेस, जिसमें टी, कॉफी, हॉर्लिक्स, बूस्ट, हॉट चॉकलेट्स एक्सेट्रा इसमें ऑफर किए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इसमें लगभग 4 तरह के आइटम गेस्ट को सर्व किए जाते हैं, जिसमें जूसेस हो गए, ब्रेड्स हो गए, प्रिजर्व्स हो गए, बेवरेजेस हो गए। तो ये सब मिला के कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट का कोर्स कंप्लीट करते हैं। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक टर्म आती है द कॉम्प्लेट। अगर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट के साथ चाय सर्व की गई है तो इस ब्रेकफास्ट को हम बोलेंगे द कॉम्प्लेट। मतलब इफ टी इज सर्व विद कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट देन द कॉम्प्लेट इट इज नोन एज फ्रेंच। दूसरा टर्म आते कैफे कॉम्प्लेट। इफ कॉफी इज सर्व विद कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, अगर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट के साथ कॉफी सर्व की गई है तो हम इसको कैफे कॉम्प्लेट बोलेंगे, और अगर चाय सर्व की गई है तो द कॉम्प्लेट बोलेंगे। ये जो द कॉम्प्लेट कैफे कॉम्प्लेट है ये फ्रेंच टर्म्स है। इसके बाद एक तीसरी टर्म आती है द सिंपल। द सिंपल इफ ओनली टी इज सर्व नो ब्रेकफास्ट इज सर्व, अगर गेस्ट ने कोई ब्रेकफास्ट नहीं लिया है और केवल चाय ली है जिसने इस कैटेगरी में रूम लिया था, और ज्यादा होता है इस ब्रेकफास्ट में क्या क्या होता है देखते हैं। सबसे पहला वही चीज चॉइस ऑफ जूसेस, ये फ्रेश हो सकते हैं, कैन हो सकते हैं, डिब्बा पैक हो सकता है, डिब्बा बंद हो सकता है, जिसमें ऑरेंज, मैंगो, गुआवा, टोमेटो, पाइनएप्पल एक्सेट्रा किसी भी वैरायटी का जूस हो सकता है, या फिर इसके अलावा और भी गेस्ट को कोई डिमांड होती है तो वो एप्पल वगैरह का भी जूस इसमें दिया जा सकता है। ये इसमें एक्स्ट्रा होता है चॉइस ऑफ सीरियल्स, इसमें कॉर्नफ्लेक्स, पोरेज, ओट मील विद हॉट और कोल्ड मिल्क दिया जाता है। चॉइस ऑफ ब्रेड्स, जैसे पहले था टोस्टेड और प्लेन ब्रेड्स, इसमें क्रोसो, मफिन, डोनट, ब्राउन ब्रेड, ये वैरायटीज होती है ब्रेड की। इसके अलावा आपका ब्राउन ब्रेड के अलावा प्लेन ब्रेड भी होता है, आप वो दे सकते हैं। अगला इसमें जो कोर्स दिया जाता है दैट इज प्रिजर्व्स। अगेन वैसे ही जैम, जेली, बटर, मार्मलेड एक्सेट्रा। इसके बाद में ये इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन है जिसमें आता है चॉइसिस ऑफ एग। Variety of egg dishes offered as boiled, poached, scrambled, fried, omelet, etc. मतलब क्या हुआ? इसमें egg की dishes serve की जाती हैं, offer की जाती हैं, जिसमें omelet हो सकता है, fried egg हो सकता है, scrambled egg हो सकता है, poached किया हुआ egg हो सकता है, boiled भी हो सकता है। और last में beverages, tea, coffee, hot chocolate, Horlicks, Boost, etc. इसमें hot milk भी on guest demand दिया जा सकता है। आगे कौन सा ब्रेकफास्ट आता है आइए जानते हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश ब्रेकफास्ट। धीरे धीरे हम थोड़ा सा हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें ज्यादा कोर्सेज होते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट की कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट इन दोनों ब्रेकफास्ट से जो हमने पहले पढ़े थे थोड़ा सा हैवी होता है। इट इज एन एलोबरेट
breakfast comprises following courses as number one juices, इसमें वैरायटी ऑफ जूसेस आपको उपलब्ध होती है, ऑरेंज टोमेटो पाइनएप्पल एक्सेट्रा. सीरियल्स अवेलेबल होते हैं जिसमें कॉर्नफ्लेक्स ओटमील विद हॉट एंड कोल्ड मिल्क. फ्रेश और स्ट्यूड फ्रूट्स इसमें के अंदर आपको मिल जाएंगे जिसमें एप्पल ऑरेंज पियर्स पपाया एक्सेट्रा. ब्रेड वैरायटी ऑफ ब्रेड्स आपको मिलती है, टोस्ट रोल्स क्रोसो मुफिन्स एक्सेट्रा. प्रिजर्व्स आप इसमें लेते हैं, जैम मार्मलेड हनी. फिश कोर्स इसमें एडिशन होता है, फिश कोर्स में ग्रिल्ड फिश फ्राइड फिश पोस्ट फिश, ये फिश की अलग अलग कुकिंग वैरायटीज हैं तो ये भी आपको यहाँ उपलब्ध होती है. मीट कोर्स इसके अंदर आपको मिल जाता है जिसमें बेकन सॉसेजेस हैम सलामी, ये वैरायटी ऑफ मीट जो भी आपकी चॉइस है आप ले सकते हैं. एग अगेन यहाँ पे वैरायटी ऑफ एग आपको मिलता है जिसमें पोस्ट स्क्रम्बल्ड फ्राइड बॉइल्ड ऑमलेट किसी भी वैरायटी का एग जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं. And the last is beverages, जिसमें tea, coffee, hot chocolate, bonvita, boost, milk, etc. आप यहाँ ले सकते हैं. So English breakfast में बाकी के breakfast के मुकाबले ज़्यादा dishes offer की जाती हैं. और इसके बाद में अपना most favorite Indian breakfast. This type of breakfast varies from region to region. Fact है क्योंकि भारत में अलग अलग region के हिसाब से अलग अलग breakfast offer किया जाता है. Following courses to offer, क्या क्या चीजें होती है जानते हैं. इंडियन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया देखने में लजीज लगता है और लोग पसंद भी करते हैं. इसके अलावा इसके साथ जूसेस की वैरायटी उपलब्ध होती है जिसमें मैंगो पाइनएप्पल ऑरेंज एक्सेट्रा होता है. यहाँ आपको या तो फ्रेश फ्रूट जूस मिल जाएगा या फिर आपको कैंड जो ट्रॉपिकाना और रियल एक्सेट्रा जो कंपनीज हैं जो देती हैं जो बनाती हैं उस तरह का उनका भी जूस उपलब्ध होता है. फ्रेश फ्रूट आपको यहाँ मिलते हैं, कट फ्रेश फ्रूट जिसमें वाटरमेलन मस्कमेलन बनाना एप्पल आप यहाँ ले सकते हैं. चॉइस ऑफ एग उपलब्ध होती है जिसमें ऑमलेट बॉयल्ड फ्राइड स्क्रम्बल्ड एक्सेट्रा अवेलेबल होता है. ब्रेड वैरायटी यहाँ उपलब्ध होती है जिसमें बटर टोस्ट मफिन्स और एनी अदर बेकरी प्रोडक्ट जो भी उस टाइप पे उपलब्ध हो वो आपको यहाँ मिल जाता है. बेवरेजेस में अगर हम बात करें तो टी कॉफी मिल्क और चॉकलेट एक्सेट्रा यहाँ आपको उपलब्ध होता है. तो इंडियन ब्रेकफास्ट में आप ज़्यादातर देखेंगे आपको वेज मेन्यू ही मिलेगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर वेज वैरायटी ही उपलब्ध होती है. एग एक ऑप्शनल है, एग यहाँ पे उपलब्ध होता है. तो ये